तो भाई जैसी कॉन्ट्रास्ट बाहर रखा हुआ था ऐसी अंदर रखा हुआ है गोल्डन के साथ। ये रहे हमारे बूफर, ये भी भाई इंटीरियर भाई ने पूरा रेडी करा रखा है। अलॉयज ने ना एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रखा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स। मैं हूं सतीश। तो भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है भाई हमारी हाईली मॉडिफाइड बलिनो से रिलेटेड। तो बलिनो भाई मेरी कभी से फेवरेट गाड़ी रही है, और जैसे कि आप लोगों को पता है भाई जब हमने यूट्यूब स्टार्ट करा था जब हमारे पास भी बलिनो हुआ करती थी 2018-19 के अंदर, तो ये गाड़ी भाई कभी से मेरी फेवरेट और मेरे लिए लकी गाड़ी रहती थी। साथ में भाई आज जो इस गाड़ी के अंदर काम हो रखा है ना, इसके अंदर कंप्लीट मॉडिफिकेशन हो रखी है। मतलब आप कह सकते हो बलिनो के अंदर जितना भी काम हो सकता है, बाहर से कस्टमाइज मॉड्स, परफॉर्मेंस मॉड्स, इंटीरियर, ऑडियो सेटअप, मतलब जितना भी बलिनो के अंदर काम हो सकता है सारा कुछ आज इस गाड़ी के अंदर होने वाला है। तो कोई भी पार्ट स्किप मत करने वाला भाई, बहुत मजा आने वाला है। तो जितना भी काम हो रखा है हर एक चीज, हर एक डिटेल्स में आप लोग साथ शेयर करूंगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, प्रेजेंटिंग विद द फर्स्ट लुक ऑफ मॉडिफाइड बलिनो। और भाई फर्स्ट इंप्रेशन गाड़ी का बहुत ही जबरदस्त है। तो हर एक मॉडिफिकेशन डिस्कस करने से पहले भाई मैं आप लोगों को एक बार गाड़ी के ओनर से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ और गाड़ी की डिटेल्स भी जान लेते हैं। तो भाई ये रहे हमारे भाई। तो भैया आपका नाम? साक्षी। भैया आपका नाम? आयुष। तो भाई ये तीन भाई आए थे हमारे अपनी गाड़ी हमसे रिव्यू कराने। तो भैया कहाँ से आए हो आप? पुरानी दिल्ली से। तो लगभग कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? किलोमीटर। तो भाई अभी हम कहाँ अपने स्टोर के आसपास शूट कर रहे थे, तो भाई स्पेशली भाई रिव्यू कराने हैं। तो सबसे पहले भैया ये बताओ गाड़ी का मॉडल कौन सा और वेरिएंट कौन सा आपकी गाड़ी का? भाई ये है जीटा 2017 पेट्रोल वेरिएंट। और आपने भाई इसमें क्या क्या करा रखा है, थोड़ा सा ऑडियंस को ब्रीफ कर दो। भाई मैं आपको बताऊँ तो इसमें मैंने पूरा फुल सिस्टम क्या कहते हैं उसका काम करा रखा है, एग्जॉस्ट का और स्टेज टू रिमैप करा रखी है, और पूरा गाड़ी बाहर से पूरी चेंज करा रखी है मैंने, और फुल सिस्टम वो करवा रखा है मैंने ऑडियो का। तो मतलब कह सकते हैं बलिनो जितनी मॉडिफिकेशन हो सकती है सब कुछ करा रखा है, सब कुछ करा रखा है मैंने। बिल्कुल मैंने बिल्कुल एग्जॉस्ट को क्या कहते हैं अलॉय वगैरह सब आप देखेंगे सब कुछ फुल चेंज करा रखा है, टायर वगैरह सब चेंज करा रखा है। बिल्कुल चेक करें। तो भाई भैया ने आप लोगों को एक ब्रीफली आइडिया दे दिया। तो भाई स्टार्टिंग फ्रॉम दी फ्रंट, सबसे पहले तो आप देख सकते हो गाड़ी फुली रैप्ड है, और गाड़ी का जो कलर है भाई वो है अपना साटन ग्रे। तो गाड़ी का जो ओरिजिनल कलर है भाई वो भी ग्रे स्टोन में था, और उसके साथ ही जो लीगल रैप है भाई वो भी रखा गया है। और गाड़ी की लुक जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है। तो फुल आप इंप्रेशन देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बाकी वो मैं आप लोगों को पूरा वॉक अराउंड दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं भाई हेडलाइट्स की। तो भाई इसकी हेडलाइट्स भी फुली कस्टमाइज है। आप देखोगे जेटा वेरिएंट के अंदर 2017 में ये हेडलाइट्स नहीं आती, तो इसके अंदर पहले तो भाई टॉप मॉडल की जो हेडलाइट्स है वो लगा रखी है, और साथ में जो हेडलाइट्स है भाई वो भी कस्टमाइज करा रखी है। इसके अंदर भाई डेमेनाई, साथ में जो DRL है भाई वो भी इसकी RGB है, और सबसे बड़ी बात जो इंडिकेटर है वो भी आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगा। इंडिकेटर आप लोगों ने देखा होगा हेलोजन आता है, बट इसके अंदर LED इंडिकेटर लगा हुआ है। तो उसका मैं आप लोगों को एक शॉट डाल दूंगा, देख लेना कि भाई मतलब रात में कैसा ये पूरा दिखती है। अभी हम भाई बहुत धूप में शूट कर रहे हैं तो इसलिए आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, बट थोड़ी बहुत शेड मार रही है वो आप देख सकते हो, देखो रेड, और साथ में जो ब्लू है डेमेनाई का वो आ रहा है। साथ के साथ नीचे आओगे तो भाई नीचे इसके प्रोजेक्टर भी अपग्रेडेड है। तो भैया प्रोजेक्टर कौन से लगवा रखे हैं आपने इसमें? फॉर्च्यूनर के लगवा रखे हैं। थ्रो कैसा है इसका? बहुत बेहतरीन है। मैं आज तक मैंने कभी सही बताऊं तो मैं कभी इसकी हेडलाइट ऑन ही नहीं करता, मतलब जबरदस्त रिस्पांस है। सिर्फ मेरे को फॉग लाइट से ही काम चलता है। बिल्कुल। तो एक बार भाई वो भी हेडलाइट वगैरह ऑन करके दिखा दो। अभी धूप में तो आपको नहीं पता लगेगा। हाँ बट ये थोड़ा सा एक ऑडियंस को आइडिया मिल जाएगा। तो भाई अभी हम बिल्कुल धूप में शूट कर रहे थे, पता नहीं लगेगा। अभी देखो भाई ऑन हो चुके हैं और हेडलाइट भी ऑन हो चुकी है, तो कुछ अपनी ऐसे लुक आ रही है। साथ ही भाई बम्पर भाई ने ओल्ड ही रख रखा है, जो इसकी शेप आती है वही रख रखा है। तो फ्रंट से जो जो काम हो रखा था मैंने बता दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जानबूझ के ओल्ड रखा है क्योंकि जो इसका जो वो है ना ओरिजिनलिटी, वो मैं चाहता था कि वो रहे, बिल्कुल पता लगे लोगों को पुराना वेरिएंट है। हाँ, पुराना वेरिएंट है बिल्कुल। ये ना लगे कि हाँ कि हमने वो करा रहे कस्टमाइज करा, नहीं मैं चाहता था कि पुराना ही रहे। बिल्कुल। इसलिए मैंने इसका कलर भी चेंज नहीं कराया। हाँ नहीं, कलर भी लीगल है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये आप देख सकते हो, और आज तक किसी भी एक भी पुलिस वाले ने मेरे को नहीं पकड़ा, आज तक नहीं पकड़ा। तो भाई लीगल सेम चीज कलर के, तो आप लोगों को दिक्कत भी नहीं आएगी। बाकी अब बात कर लेते हैं अलॉय व्हील्स की। तो भाई गाड़ी का जो कंट्रास्ट रखा गया है वो ग्रे और गोल्डनिश में रखा गया है, जो बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा है, और मतलब आई कैच जेन्युइनली है। साथ में भाई अलॉयज में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उसके अंदर 17 इंचेस के अलॉयज लगे हैं विद मिशलिन टायर। टायर साइज की बात करो तो 215/45R17। साथ में भाई टायर स्टिकर्स भी ऐड ऑन है। तो ओवरऑल गाड़ी के लुक ना बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव आ रही है। और देखो साइड प्रोफाइल देखो, अलॉयज वगैरह टायर स्टिकर, जो कस्टम ग्राफिक्स भाई ने करा रखे हैं, बिल्कुल कंप्लीट अपने लुक चेंज कर दिया इसने। ये देख सकते हो, अच्छा अपन नंबर 210 है, नंबर मेरी गाड़ी का नंबर भी यही है 210 है। तो भाई ये देख सकते हो 21 भाई ने आगे लिखवा रखा है और 01 पीछे लिखवा रखा है। तो हर एक चीज भाई बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट तरीके से सब कुछ मैच करके करवा रखी है। और ये देखो इंटीरियर
अच्छा इंटीरियर भी गोल्डन है, तो भाई अभी इंटीरियर में भी चलेंगे तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे इंटीरियर में भाई ने क्या क्या करा रखा, बाकी एक ओवरऑल लुक देख लो। तो भाई एक बात बताओ, इतना खर्चा कर रखा है, इसकी टेल लाइट्स क्यों नहीं चेंज कराई? भाई एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, पहले मैंने चेंज करा रखी थी। अच्छा, तो फिर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पीछे से, वो किसी ट्रक ने आके ठोक दिया था, तो फिर मैंने वो नॉर्मली लगवा, स्टॉक ही लगवा दिया, स्टॉक ही लगवा ली। तो भाई ये देखो, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मैंने फिर स्मोक वगैरह करवा के बहुत अच्छी करवा ली थी, सबने मेरे को यही रिकमेंड किया कि भाई यही अच्छी लग रही है ज्यादा पहले से। तो भाई अगर चाहो तो आप इसके अंदर आफ्टर मार्केट बैकलाइट भी लगवा सकते हो। दिखा दूंगा बिल्कुल, पहले की मैंने जब मैंने रैप नहीं करवाया था तो मैंने वो करवा रखी थी कस्टम ग्राफिक्स वगैरह करवा के, मैंने लैप वगैरह सब करा रखा था, तो वो भी आपको मैं वीडियो में देख लेना, मैं आपको भेज दूंगा। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हो भाई कंप्लीट, साथ में भाई इसके अंदर एक यूनिवर्सल अपना स्पॉइलर भी ऐड ऑन कर रखा है, तो अभी दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखो, तो पीछे लिखा भी वो भाई डोंट पैनिक, क्योंकि जो उसका एग्जॉस्ट है भाई वो बहुत ज़्यादा लाउड है, वो मैं आप लोगों को अभी सब कुछ सुनाऊंगा। और किसी के भाई ने बताया था गाड़ी स्टेज टू रही मैप है अपनी, और बाकी वो भी मैं आप लोगों को अभी कंप्लीट सुना दूँ। तो भाई बाहर से ओवरऑल लुक आप लोगों ने देख ली है, तो भाई रैप भी कंप्लीट आप देख सकते हो, काफ़ी फिनिशिंग से रैप हुआ है, साथ में भाई ग्राफिक्स और अलॉयज ने ना एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रखा है। रैप के साथ भाई जो रैप है उससे ज़्यादा गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और ये आप देख सकते हो। तो भाई ये तो बात हो गई इसके अंदर फुल बाहर से जो जो काम हुआ था, अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस में। तो भाई इस गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी सारा कुछ काम हो रखा है। सबसे पहले चीज़ तो भाई इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, मतलब आपका इंजन से लेके हेडर से लेके पीछे तक जो पाइप है वो चेंज है। साथ में इसके अंदर भाई वेल्वेट्रॉनिक एंड कैन लगी हुई है। साथ में भाई जब भी आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाते हो तो आपको इसके अंदर रीमैप करानी ज़रूरी होती है, तो इसके अंदर भाई स्टेज टू रीमैप ये मॉडिफाइड है विद पॉप्स एंड बैंग्स, और साथ में भाई एयर फिल्टर जो है वो भी इसका अपग्रेडेड है। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो ये रहा भाई हमारा वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट अपना रेमस का। बाकी अगर भाई गाड़ी स्टार्ट करके साउंड भी सुना दो लोगों को, तो भाई इसके प्रॉपर साउंड सुनना, कंप्लीट पॉप्स एंड बैंग्स आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को भाई पॉप्स एंड बैंग्स करवाने तो आप लोगों को फुल सिस्टम और रीमैप करानी ज़रूरी है। कर दो भाई रेमस। ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट है क्योंकि भाई फुल सिस्टम है। साथ में भाई अगर बोनेट भी खोल दो तो भाई वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर फ्रंट से थोड़ा सा अगर आप लोगों को पाइपिंग वगैरह दिख रही होगी तो वो भी दिखाता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को भाई इसके अंदर पॉप्स एंड बैंग्स डलवाने तो आप लोगों को फुल सिस्टम एग्जॉस्ट ही लगवाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इसका पूरा ये हेडर वगैरह हर चीज़ चेंज है, यहाँ से लेकर पूरे बैक तक फुल एग्जॉस्ट अपना ऑन है। तो भाई ये था इसका परफॉर्मेंस रिलेटेड जितना भी इसके अंदर काम हो रखा था। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, और इंटीरियर में भी देखते हैं भाई क्या क्या काम हो रहा है। तो भाई गाड़ी के इंटीरियर में भी आ चुके हैं, तो भाई जैसी कंट्रास्ट बाहर रखा हुआ था ऐसी अंदर रखा हुआ है गोल्डन के साथ, तो ये भाई बहुत सुंदर लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, कुछ यूनिक लग रहा है। बाकी आप लोगों ने भाई शायद ही ऐसे पहले कभी देखा होगा, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई कुछ गोल्डन टाइप इंटीरियर। साथ में फुल इंटीरियर ब्लैक आउट है, इसके पिलर्स भी ब्लैक है, रूफ वगैरह हर चीज़ अपनी ब्लैक आउट है, तो गोल्डन और ब्लैक का कंट्रास्ट बहुत अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पे भी आप पूरा चेक कर सकते हो एसी वेंट्स की अपनी बाउंड्री, स्पीडोमीटर का फ्रेम, साइड में ये वाला पैनल बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। पीछे से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऐसा देखो भाई साइड में ये अब केयर कंसोल वाला पार्ट, इसे भी गोल्डन कराया गया है, पीछे से भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, तो अगर बाहर से कोई देखेगा तो भाई इसके अंदर अपने अलॉयज के साथ पूरा गोल्डन का जो कंट्रास्ट है वो बिल्कुल कंटिन्यू मिला है। साथ में भाई इंटीरियर में ऐसे और कोई चेंजेस नहीं है, फुल ब्लैकआउट प्लस गोल्डन का इंटीरियर है। सीट कवर्स वगैरह भाई ने बिल्कुल बेसिक लगवा रखे हैं क्योंकि भाई को इतना ज़्यादा शौक नहीं है। बाकी जो मेन एक और अट्रैक्शन है इसके बाहर के साथ साथ वो है इसका ऑडियो सेटअप, तो वो हमारे आयुष भाई हमें गाइड करेंगे। तो भाई क्या क्या लगा रखा है ऑडियो में बताओ? चार तो कंपोनेंट लगे हैं पोल ऑडियो के, ठीक है, दो ट्विटर हैं, दो बुलेट ट्विटर नीचे है। तो भाई बुलेट ट्विटर की प्लेसमेंट भाई ने मुझे डिफरेंट करा रखी है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो कुछ यहाँ पे करा रखी है और प्लेसमेंट बहुत अच्छी आ रही है इसकी। साथ और भाई पीछे ट्रे पे फोकल के ओवल है, ओवल है, दो वूफर है सर्जन वेगा के 500 आरएमएस ईच, तो 1000 आरएमएस अपना वो हो गया। साथ में भाई मैं आप लोगों को पीछे प्लेसमेंट वगैरह हर चीज दिखा देता हूँ। तो भाई जो अपना मोनो एम्प है वो इंटरफायर का है, वो यहाँ पे लगा हुआ है आप देख सकते हो। साथ में भाई कनेक्ट का 4 चैनल यहाँ लगा हुआ है, और ये रहे हमारे वूफर, ये भी भाई इंटीरियर भाई ने पूरा रेडी करा रखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो सर्वन वेगा का 500 वाट आरएमएस, साथ में फोकल के ओवल लगे हुए, तो मैं पीछे से भी दिखाता हूँ बूट के वहाँ से, देखो तो ये लगे भाई हमारे वूफर 500 वाट आरएमएस के, प्लस साथ में फोकल के जो हमारे कॉम्पोनेंट है वो अपने कुछ इस जगह पर लगे हुए हैं। तो लगभग गाड़ी के अंदर भाई 6 स्पीकर हो गए और 4 ट्यूटर्स हो गए, बाकी एम्पलीफायर वगैरह हर चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाकी एक बार इसके आउटपुट भी सुनाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एनसीएस का म्यूजिक ऑन करता हूँ। साथ ही भाई इसके अंदर पाइनर का स्टीरियो भी लगा हुआ है आप देख सकते हो, तो कौन सी सीरीज है पाइनर की है? AVHS 5890। आउटपुट कैसा है इसका आप सुन के देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखो
तो भाई वो मैं अपना NCS का म्यूजिक सेट कर लेता हूँ, फिर वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कंप्लीट भाई जो पायनर की ओल्ड सीरीज आती थी वही भाई ने इसके अंदर इंस्टॉल करवा रखी है, ये देख सकते हो। और हर एक चीज़ बिल्कुल वर्किंग है भाई इसके अंदर, सब कुछ वर्किंग भाई। तो इसके जो प्लेट वगैरह वो भी परफेक्टली काम कर रही है। तो इसमें करता हूँ एक बार NCS के म्यूजिक सेट और आप लोगों को सुनाता हूँ उसका आउटपुट। तो भाई NCS का म्यूजिक हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, तो भाई एक बार कर दो प्ले। ऑडियो भी आप लोगों ने सुन लिया होगा भाई, अपने 1000 RMS प्रॉपर हक कर रहे हैं भाई। ये वाला सारा जो एरिया है ना सब हिल रहा है, देख रहे हो भाई बेस से ये भी रिमूव हो चुका है, शीशा भी टूट गया है बेस से। कहने को 1000 RMS है बट पंच काफी अच्छा आ रहा है, जो इनक्लोजर है वो काफी अच्छे से ट्यून्ड है और मतलब सुनने में भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। साथ में भाई बेसिक जो काम है भाई अपना इसके अंदर एम्बिएंट लाइट वगैरह भी भाई ने लगा रखी है, तो उसके अंदर जनरेशन 2 वाली जो एम्बिएंट लाइट होती है वो इसके अंदर हमने इंस्टॉल करा रखी है। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो भाई यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये वाला पैनल भी कंप्लीट लेदर वाला। तो इंटीरियर फुल ब्लैकआउट करा के गोल्डन का ट्रिम भाई ने दे रखा है और गोल्डन भाई अच्छा लग रहा है जनरली, मतलब बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं लग रहा बट बहुत सुंदर लग रहा है। साथ में भाई एक बार आप लोगों को एग्जॉस्ट और सुना देता हूँ जो उसके अंदर भाई पॉप्स एंड बैंग्स डले हुए हैं, ये सुनो। बहुत ही बढ़िया एग्जॉस्ट की आवाज भी आ रही है। तो ये था भाई आज कुछ अपने इस मॉडिफाइड बलिनो के अंदर, और भाई कह सकता हूँ मैं फुल पैकेज था मॉडिफिकेशन का, जो जो काम हो सकता था भाई ने सारा कुछ करा रखा है। बाकी भाई हेडलाइट्स मुझे काफी ज्यादा सुंदर लगी, डिफरेंट लगी, क्योंकि भाई जो DRL है वो काफी कम लोगों ने इसकी RGB करा रखी है, इंडिकेटर भी डिफरेंट करा रखा है। बाकी आप लोग कमेंट कर जरूर बताना आप लोगों को इसका बेस्ट पार्ट क्या लगा क्या नहीं। तो बात हो गई मॉडिफिकेशन की भाई, और अब बात कर लेते हैं भाई से कि लगभग इसके अंदर कितना बजट भाई का। तो भाई आयुष भैया गाड़ी तो आपने बिल्कुल जबरदस्त बना रखी है और हर एक काम आप लोग ने करा गाड़ी में करा रखा है, अब ऑडियंस जानना चाहिए कि इसमें लगभग कितने पैसे लगा चुके हो गाड़ी में। 4-5 लाख रुपए लग चुके होंगे टोटल अभी तक। बाकी आप ये भी बता रहे थे रैप आप लोगों ने तीसरी बार चेंज कराई है, पहले कौन सा कलर करा रखा था? रेड कलर था। उसके रिएक्शन कैसे आते थे? बहुत बढ़िया। तो इसके ज्यादा अच्छे आते, उसके ज्यादा अच्छे आते थे? इसके ज्यादा अच्छे आते। भाई ये वाला कलर ना मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो डिफरेंट भी है और नॉर्मल भी है, साथ में जो गोल्डन का कॉम्बिनेशन है ना वो इसे यूनिक बनाता है इसे। बाद में बताओ भाई जो आपने इसमें एग्जॉस्ट लगवा रखा है फुल सिस्टम, इसमें अप्रोक्स कितना खर्चा आ गया होगा विद अपना स्टेज टू रीमैप, और ऑडियो सेटअप में अप्रोक्स कितना खर्चा? भैया 1.5-2 लाख रुपए। बिल्कुल। तो भाई भाई ने जैसे धीरे धीरे करके सारा काम कराया था, तो अप्रोक्स लगभग 4-5 लाख रुपए में अगर किसी को तैयार करनी है तो ऐसा कुछ खर्चा आता है। बाकी भाई जब ये रोड पे चलती है तो रिएक्शन कैसे आते हैं बताओ? बहुत बढ़िया। तो रील्स वगैरह डालते हैं उस गाड़ी की? हाँ, डालते हैं। तो एक बार भाई ID बता दो अपनी ताकि रील भाई देख ले। आयुष किंगर 47। तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी भैया के भी डाल देंगे। भैया अपनी भी ID बता दो एक बारी। पीछे देखो, पीछे लिखी। चलो भाई वो भी दिखाई देते हैं आप लोगों को, क्योंकि भाई कह रहे थे कितने मिलियन व्यूज गए? 1.5 मिलियन व्यूज। तो भाई भाई की वो रील जाके देख लेना, भाई बता देंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल, पिन कमेंट में डाल देंगे। ये देखो भाई, भाई ने अपनी ये डाल रखी है सक्षय वर्मा। तो जिन भाइयों को इसकी रील और देखनी है भैया की इंस्टा ID पे चले जाना, और वहाँ पे जाके इसके रिएक्शन वीडियोस और जैसे जैसे इसकी और जो रील्स है वो सब देख लेना। हम कार्ज़न कॉफी में भी गए थे, उसमें आप ऐसा रिएक्शन किसी का भी नहीं था, उस चीज को कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट हाँ इस गाड़ी को और बलिनो स्टॉक को देखेंगे जनरली बंदा भाई हेड टर्नर और बंदे जरूर से देखेंगे। तो भाई आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो भाई क्या करना होता है बता दो, लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल सब्सक्राइब बिल्कुल, और भाई के भाई इंस्टाग्राम पे जाके भाई को फॉलो कर लेना अगर और रील्स वगैरह देखनी है तो। बाकी भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे पास इतनी दूर से आए हो और अपनी गाड़ी का रिव्यू करा है। बाकी एक धमाका और बता दो ना, फ्यूचर में कौन सी गाड़ी ला रहे हो भाई? वरना। तो भाई भैया ही अभी इस गाड़ी को सेल करके ना एक नई वरना लेके आने वाले, न्यू शेप वाली। फ्राइडे को मैं
बिल्कुल, तो भाई वो भी भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तैयार करेंगे, उसको भी साथ धमाकेदार तैयार करो बिल्कुल। तो भाई उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मैं लेके आऊंगा, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।